कुंटू भाई हम लोग आज जबरदस्त गाना पवन भाई का हम लोगों ने रिलीज किया सारे काम हम लोग के लिए, जिसका नाम है लाल घाघरा। और सुबह 10 बजे ये गाना रिलीज हुआ और अभी इंडिया में यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इतना शानदार लुक पवन जी का हम लोगों ने अभी तो नहीं देखा है, और इतने मस्ती के साथ इन्होंने जो काम किया है इस गाने में, और उनके साथ नम्रता फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी और लगा ही नहीं इन लोगों की केमिस्ट्री को देख के कि ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आए हैं। और उतना ही ज़्यादा प्यार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया है और आउटसाइड की इंडस्ट्री के जो भी ऑडियंस है अदर लैंग्वेज के, उन लोगों ने भी इतना प्यार दिया है। गजब के रिएक्शन आ रहे हैं नॉन भोजपुरी क्लस्टर से, कि लोग कह रहे हैं इस तरह के गाने से एक एलिवेशन जो आया है भोजपुरी इंडस्ट्री, हम लोग बहुत ही खुश हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि हम लोगों ने पहली झलक रिलीज की वो नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, कर रहा था, अभी तो नंबर 2 पे रिलीज कर रहा है। तो राइट नाउ पवन जी इज ऑन फायर, यूट्यूब चार्ट को कम्प्लीटली अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। सुबह 10 बजे गाना रिलीज हुआ है और हम लोग इस तरीके के प्यार जो ऑडियंस ने दिया है हमें उसे किस तरीके से थैंक यू करूँ। पवन जी आप बताते अगर कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस गाने को लेके नर्मदा के साथ? सबसे पहले तो दिल्ली शहर में हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। और हमारा जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं सब सभी को प्रणाम, नमस्ते। आप हैं तो सब है। जैसा कि बद्री भाई ने इतना सराहना किया, क्या है कि देखिए हम सभी कलाकार हैं और हम सब मिल के मेहनत करते हैं, जैसे बद्री भाई हो गए, मैं हो गया, नमिता जी हो गई, सूरज भैया हो गए,
हमारा ये एक परिवार है, हम सभी मिलकर जब मेहनत करते हैं और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और उनसे जब भर भर के प्यार मिलने लगता है तो एक कलाकार का दिल थोड़ा थैंक यू सो मच। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि सूरज कटोच फेमस नेम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड ही हैज डन हिज फर्स्ट सॉन्ग इन भोजपुरी। तो सूरज आई वाज लाइक एक्सपीरियंस सबको थैंक यू कि हमारे लिए आप आए हैं क्योंकि दूर दराज से सब लोग और मतलब पहला मेरा पहला वीडियो जो था मतलब डायरेक्शन का वो भोजपुरी से है ये वाला और सीधे ही मेरे को मतलब एकदम सारे के सारे भगवान मिल गए हैं क्योंकि पवन जी मिल गए मेरे को सीधा ही मतलब पता नहीं कैसे और साथ में बद्री जी मिल गए और नमिता जी मिल गई और वीडियो तो मतलब मेरे को मेहनत करने की कम जरूरत पड़ गई, वीडियो वैसे ही चल जाएगा और वैसे भी ट्रेंडिंग नंबर वन पे चल रहा है और मेरे को खूब मजा आया वीडियो बनाने में। मतलब मेरे को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, मतलब जितना पैसा खर्च करवाना था मैंने बद्री जी से वो करवा दिया। मैं बोलना चाहूँगा कि इस सॉन्ग के पीछे दो तीन लोग अभी तो नहीं है बट उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारे ड्यूटी है पवन जी सेट पे कम लेते थे हम लोग उससे पर वेंकट वो इतना लड़ा है कि नहीं भैया चाहिए। सो एंड सूरज टीम का मैच तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि प्रोड्यूसर के पास अगर ज़्यादा क्रिएटिव लोग आ जाते तो बहुत परेशान। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि और पैसा कम करो, ये क्या कर रहे हो, पैसा कम करो, मैं क्या थोड़ा यहाँ लगाओ थोड़ा वहाँ लगाओ और पवन जी ने जब सेट देखा तो दिखी वो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से उन्होंने मज़ा आ गया सेट देख के। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैसा लगाया है, इससे अच्छा पैसा लगा हुआ है मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ ठीक है। और बाकी सितोष जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, संजय भाई ने बहुत मेहनत करी इसके अंदर, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है और मतलब मेरे हिसाब से भी नम्रता जी को कुछ बोलना चाहिए यहाँ पर। तो नम्रता आपका एक्सपीरियंस कैसा था पवन जी के साथ, कैसा लगा? एक्चुअली आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग यहाँ पे आए इस सॉन्ग के लिए। और गली जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सॉन्ग के लिए मैंने परफॉर्म कर पाऊँ। और पवन जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मुझे सच में लगा कि फर्स्ट टाइम मतलब मैं इनसे मिली हूँ। मैंने इनको बहुत मतलब लॉलीपॉप सॉन्ग तो कोई ऐसा पार्टी नहीं होगी जहाँ पे लॉलीपॉप सॉन्ग ना चले, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ मतलब इन फ्यूचर काम करूँगी। मुझे लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत कम्फर्टेबल लेवल दिया पवन जी ने, थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, थैंक यू। तो पवन जी से कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं लोगों ने पूछे मतलब बहुत दिनों बाद हमने कौन सी कोई सप्ताह में देखा, कितने खुश स्क्रीन के ऊपर जमकर डांस कर रहे हैं, तो पवन जी कुछ बताएंगे ये मतलब ऑडियंस जानना चाहती है कि मतलब ये कैसे मतलब कितना गैप कैसे। मैं बद्री भाई आपको, इनका नाम बद्री झा जी है लेकिन प्यार से हम इनको बादल बोलते हैं बादल भाई थैंक यू आपको जो बहुत दिनों बाद आपने इस मूड का मुझसे गाना कराया और शुरू होने से पहले आप हमेशा बोलते रहे भैया 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 आपको नाचना है नाचना है, मैंने बोला भाई जितना नचाना है उतना नचाओ, इसके लिए आपको थैंक यू। जो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इस मूड का मेरा गाना मार्केट में आया है, आपको थैंक यू। और जो बेस्ट चीज था ये कि पूरी यूनिट 24 आवर्स का शिफ्ट था और सुबह 7:30-8 बजे शिल्पी आई थिंक थोड़ी ग्रेट हो गई है, आई गई उसने बहुत ही अच्छा गाया है। और पवन जी का जो एक टेक्स्चर है जो लोग कह रहे हैं गाने को अगर आप सुनेंगे इतने हाई नोट में हम लोगों ने पवन जी को हम लोगों का मेहनत जब सफल होता है भगवान जो की ऑडियंस द्वारा जब मार्केट मिलता है तो हिम्मत और बढ़ जाता है भाई,
और जो आपने इस रेंज का बात किया, जो हमारे ऑडियंस का भाइयों का प्यार जब मिलेगा तो रेंज और बढ़ेगा। तो ऑडियंस अब आप पूछ रहे हैं कि पवन जी और इस रेंज में आ रहे हैं और भी मजेदार प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं, और जिस तरीके का इनका जो लुक है, मतलब सबसे ज्यादा जो फीमेल फैन बेस है उन्होंने आपके लुक को दिखाया है, उसके लिए भी आपको थैंक यू। लेकिन मतलब प्रोड्यूसर जो होते हैं वो जनरली जैसे अमित सिंह है, उन्होंने जबरदस्त हेल्प किया है हम लोगों को। बहुत ही मदद किया लोग प्रोड्यूसर्स जनरली मैनेजर साहब से पूछते हैं कि भैया का डेट्स का क्या हुआ, पर मैं पूछता था कि भैया ने कुछ करवा तो नहीं है लोग को, वैसे ही है ना लोग, तो मेरा कंसर्न ही अलग है। तो लेकिन जबरदस्त था। तो अमित भाई कैसा लग रहा है आपको ये प्रोडक्ट जब निकल के आया? और ऑडियंस को भी बहुत इंतजार था कि फोन गाना नहीं आ रहा है, गाना नहीं आ रहा है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम लोग इस गाने के पीछे में बहुत गाली भी सुन रहे थे, जोर रहा था भाई गाना क्यों नहीं आ रहा है, कोई भी पोस्ट हम लोग डालते थे तो उसके ज़्यादातर गाली ही आ रहा है, गाली तो फोटो डाल रहे हो गाना में तो आ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग गाली सुन रहे थे कि आएगा तो धमाका आएगा, और आज सारे लोग को देख भी रहा है कि कैसा गाना है, और उम्मीद करते हैं ये गाना ब्लॉकबस्टर होगा और एक बहुत ही अच्छा गीत बनेगा। बिल्कुल थैंक यू सो मच। और इनका जनरली बहुत काम किया है मैंने इंडस्ट्री में पिछले ढाई साल में, पर एक आगे तो जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है वो मैं बता नहीं सकता, मीन्स ग्रीट्स कैसा हुआ है, ग्रीट्स कहाँ पर जा रहा है, तो सॉन्ग्स कैसे होंगे, बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाता हूँ मैं कि हम लोग इसे स्क्रैच पर ही शूट करने वाले थे, तो पता नहीं मैंने बोला कि भाई जी अगर रब दिला दे तो मैं सुन के मज़ा आता है। सुबह 4 बजे उन्होंने एक नॉर्मल सा डब किया गाने को, लेकिन वो नॉर्मली इन्होंने डब किया, लेकिन उस पार्ट को मुझे रखना पड़ा, इतना ज़बरदस्त नोट वो लगा था सुबह 4 बजे। तो पवन जी जब पूरी दुनिया सो के थक जाती है तो 4 बजे इतना हाई नोट कहते हैं, पता नहीं हमारे ऑडियंस को। हम एक जगह म्यूजिक सेटिंग में बैठे थे और मेरा छोटा भाई अमित भी बोल रहा था कि बद्री जी का बाबा थोड़ा है भैया आप प्लीज आ लेते, तो शूटिंग में एक अलग सा मजा, तो मजाक में ही मैंने बोला कि भैया हम लोग शूटिंग तो अपना कर लिए, जो मेरा 2-3 दिन में शूटिंग होने वाला है ये भी गाना जा रहा है, ही ऐसे गवा दी। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज में आदमी पहुँच जाता है, और आदमी को मैं उसी टाइम गाना गाने को पता नहीं कितने ट्रैक में गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई दे दिया कि भैया मजा आया। बहुत जबरदस्त स्टोरी है, इन्होंने मुझे 4 बजे गाने को भेजा गाते और मुझे बोला कि पवन जी ने बोला कि आप सुबह कॉल कीजिए, प्लीज मैंने कॉल बैक 25 मिनट बाद, क्योंकि मैंने उसे कम से कम 10-15 बार सुना, बिल्कुल मन नहीं भर रहा था, इतना प्यारा साउंड कर रहा था वो। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, हम लोगों ने पहली बार भोजपुरिया कोई गाना हमने शूट किया अनार सिंह नायक, जो आप सेट देख रहे हैं प्रॉपर वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो पुरानी महल ही है अनार सिंह नायक, ये इतनी खुशी उसको डेकोर किया हमने, और जब एक आउटपुट इस तरीके से बन के आता है अच्छी तरीके से, जिस तरीके से पवन जी मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, हम लोग और भी प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं इनके साथ, तो हम लोग अब इतनी बड़ी ऑडियंस है हमारे, इतनी बड़ी ऑडियंस है कि हमें उन लोगों को वो देना पड़ेगा जो डिजर्व करते हैं, और आई थिंक ये जो नंबर वन जो है से आपको लगता है कि आधार अपील करके अब ऑडियंस चेंज तब पसंद नहीं है। देखिए हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए, और हम मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल
जहाँ मैं इससे और ऊपर बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया, मैंने आपके साथ पहली बार काम किया, एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूँ, हम लोग इतना मिलजुल के हंस खेल के काम किए, उसके लिए आपको दिल से। सर आपने ना जितना कंफर्ट लेवल मुझे दिया ना, देखो आज तक किसी भी वीडियो में किसी भी सिंगर ने इतना कंफर्ट लेवल नहीं दिया। जैसे मैं आपके पास जाता था, इनके पास में जाता था, मैं सबके साथ में, तो जैसे ही मैं तो बोलता था हाँ हाँ ठीक है रेडी हूँ चलिए, मैंने कहा अभी आपको यही बैठे रहना है। मैंने ये क्या किस्सा था कि मैंने इनको ना वहाँ पर मॉनिटर पर बैठा दिया, मैंने कहा अंदर नहीं जाओगे आप, यहाँ बैठ के यहाँ देखो। तो बोलते ठीक है मैं यही बैठूंगा, आप दूसरा सेट लगाइए। मेरे को सेट लगाने में 20-25 मिनट लगे, लेकिन ये वहाँ बैठे रहे और तब तक वो देखते रहे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो 25 मिनट तक सेट चेंज होता रहा और सब वहाँ बैठे रहे, कमरे में भी गए, बस एक दो बार गए, लेकिन वो हर 5 मिनट में आ जाता था। तो कहते अरे मेरी कमर तोड़ दी, अरे ये मतलब इतना डांस कराया हमने इनको वहाँ पर, मेरे को खूब मजा आया। मतलब मेरे को अभी तक मेरे को नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि भैया वीडियो में सारे काम छोड़ के पहले वीडियो बनाऊंगा। वैसे इस टाइम भी मेरे पास यही था सीन कि मैं पहली बार में पहुंच गया था, मैं सारे काम छोड़ के मेरे पास सिर्फ मिस कॉल्स आती थी, मिस कॉल का कोई फोन और 36 आवर हमने सिर्फ वहां पे वेन्यू में काम किया था। और पूरी टीम ने, बद्री जी की टीम ने, सारे का वहां पूरी टीम खड़ी थी वहां पे, एक पैर पे सबने काम किया स्पीड से। और सर भी इतनी जल्दी पहुंच गए साइड पे, मैं इतनी जल्दी को ले आया इनको, और सर पहले आके वहां पे बैठ गए। तो मतलब मेरे लिए सारी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें थी हो रही थी उस दिन कि सब कुछ टाइम पे चल रहा था और सब कुछ टाइम पे ओके हो रहा था, लेकिन सर ने बड़ा सपोर्ट किया था। तो हमारा भी एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीट सेलिंग ग्रुप हैज परफॉर्मड वन सिंगल सॉन्ग इन भोजपुरी एंड दे हैव ऑल परफॉर्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर ज़ेनू टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। एक बार ज़ेनू टीम के लिए भी लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ सॉन्ग डांस परफॉर्म करने आए, क्या काम करते हैं कुछ नया ही होता है आप लोग देख रहे हैं। हाँ ट्रेन कर रहा है और काफी ये अच्छा गाना है और उम्मीद है जल्दी नंबर वन पे टीम में चल रहा है, आ गया और बहुत खुशी की बात है। और सब आपके रास्ते में आते आते नंबर वन हो चुका। थैंक यू और ये सब आप लोग का प्यार है, थैंक यू सो मच। तो एक और नाम का जो है रुकी जी है हमारे, तो रंजीत भाई तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जबरदस्त जी हाथ उठा दीजिए अपना, हाँ ऊपर उधर। सो विक्की जी हमारे पुदीना सॉन्ग के इशारे हैं। सो रजनी भाई हम लोग शुरू करते हैं, एक मिनट आप लोग अपना अपना सीन रख सकते हैं। हमारे कैमरा महेश, हम सभी कलाकार को इतना जमाया सूरज भैया, डीजे चौहान हमारा छोटा भाई, इस गाने को इतना बढ़िया लिखा है, गाने को सजाया है, और ये शिल्पी हमारी गुड़िया इतना सुंदर गाई हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू बाबू, खूब नाम करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। और इतना बढ़िया लगा कि मैं, मेरे पास बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए, थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने, गीता जी अगर नजर आ रही है,